मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज के इस वीडियो में हम लोग कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में विशद चर्चा करेंगे। और इस वीडियो का सर्व प्रमुख उद्देश्य यह है कि सभी विद्यार्थियों को यह ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें वर्ष भर किस प्रकार से और किस पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना है, एवं जो कोटा विश्वविद्यालय ने निर्धारित परीक्षा योजना दी है उसको किस ढंग से अध्ययन करके और संपूर्ण पाठ्यक्रम को अध्ययन करना है। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बीए भाग तृतीय समाजशास्त्र की परीक्षा है वो उसमें दो पेपर होंगे। और इस सिलेबस और इस पाठ्यक्रम को जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो बीए तृतीय वर्ष है उसमें जो द्वितीय वर्ष की के अपेक्षा कुछ बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव ऐसे हैं कि उन्हें समझना आवश्यक है। और किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने से पूर्व, किसी भी परीक्षा की तैयारी से पूर्व यह अत्यंत आवश्यक है कि आप उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, पाठ्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें और किस प्रकार से आप लोगों को अध्ययन करना है इसकी योजना बना लें। तो हम देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो बीए भाग तृतीय समाजशास्त्र परीक्षा है इसमें दो पेपर होंगे और ये दोनों ही पेपर नियमित विद्यार्थियों के लिए 80 अंक के और स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए 100 अंक के होंगे। और जो 40 नंबर हैं वो प्रायोगिक कक्षाओं के होंगे, जो कि प्रायोगिक परीक्षा होगी आप लोगों की, उसके लिए ये 40 अंकों का निर्धारण किया गया है। और ये जो प्रायोगिक परीक्षा है ये केवल नियमित विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की जाएगी। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इन 40 अंकों की परीक्षा के लिए आप हमें क्या करना है। अब हम देखेंगे कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। और नियमित विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न पत्र 80 अंक का और जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये 100 अंक का होगा और इसकी समयावधि होगी 3 घंटे, अर्थात 3 घंटे का समय आप लोगों को प्रश्न पत्र को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। अब इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब और खंड स। जो खंड ए होगा उसके लिए 10 अंकों का निर्धारण किया गया है और ये 10 अंक स्वयं पाठी व नियमित छात्रों दोनों के लिए समान डिवाइड किए गए हैं। इस खंड में प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न होंगे और उन 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का अनिवार्य रूप से आपको चयन करना होगा और कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 2। इस अनुसार आप लोगों को कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे और कुल अंक उसके होते हैं 10। अब हम खंड ब की बात करते हैं। इस खंड में प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न होंगे। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 10 और प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। और इसके लिए जो कुल अंक निर्धारित किए गए हैं वो जो स्वयं पाठी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 50 अंक और जो नियमित एवं पूर्व छात्रों के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार खंड स में 4 प्रश्न होंगे जो कि ऐसे टाइप होंगे, वर्णनात्मक होंगे, अर्थात बड़े प्रश्न होंगे और जो कि सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे और प्रत्येक इकाई में से 1 से अधिक प्रश्न नहीं होगा, मतलब हर इकाई में से 1-1 प्रश्न होगा और इसमें से आप लोगों को 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और लगभग 500 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। और इसमें अंकों का निर्धारण 40 अंक स्वयं पाठी छात्रों के लिए और 30 अंक नियमित अथवा रेगुलर छात्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो पहला प्रश्न पत्र है उसका पाठ्यक्रम क्या है,
क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए ये सबसे पहला चरण है कि आप लोग उसके पाठ्यक्रम का अध्ययन करें कि किस प्रकार से हम परीक्षा योजना बनाएं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारा कवर हो सके और हम उसको भली प्रकार से कर सकें। तो हम लोग देखेंगे कि इकाई फर्स्ट जो पहली इकाई है उसमें हम सामाजिक प्रघटना का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञानों में संबंध, सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और प्रकृति, और तीसरा वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ, चरण और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जो इकाई सेकंड है उसमें हम सामाजिक अनुसंधान का तर्कशास्त्र, इसके अंतर्गत समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता का अध्ययन करेंगे। दूसरा प्राकल्पना का अर्थ, प्रकार और निर्माण की बात करेंगे। तीसरा प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों की बात करेंगे और उसके प्रकार एवं स्रोतों की चर्चा करेंगे। इकाई थर्ड में तथ्य संकलन के जो स्रोत हैं, तथ्य संकलन के जो उपकरण हैं और प्रविधियां हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार इकाई फोर्थ में, चौथी इकाई में प्रतिनिधि इकाइयों के चयन की प्रक्रियाएं, जिनमें निदर्शन के अर्थ और प्रकार, निदर्शन के चुनाव की पद्धतियां और सीमाएं, और अंतर्वस्तु विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इकाई फिफ्थ में सामाजिक अनुसंधान के गणनात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे, अर्थात जो सांख्यिकी पक्ष है उसका अध्ययन करेंगे, सोशल रिसर्च के सांख्यिकी पक्ष का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें तथ्यों का सारणीयन, द्विगुणीय और बहुगुणीय सारणी, सांख्यिकी औसत का अर्थ और प्रकार, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की गणना। तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो है वो स्टैटिकल पोर्शन है, स्टैटिक्स से संबंधित है, जो कि हमें अध्ययन करना होगा। ये प्रथम प्रश्न पत्र की पांचों इकाइयां हम लोग समझ गए हैं, और इन पांचों इकाइयों के आधार पर ही हमें परीक्षा की योजना बनानी होगी, और परीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा की पाठ्यक्रम के योजना के अनुसार हमें अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जो सेकंड पेपर आप लोगों का होगा, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, इस पेपर का नाम है समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। समकालीन अर्थात वर्तमान भारत में या अभी के भारत में सामाजिक समस्याएं क्या क्या है, इससे संबंधित अध्ययन करना होगा। अच्छा, अब इसमें उसी प्रकार से तीन खंड होंगे, और जो परीक्षा योजना फर्स्ट पेपर के लिए थी, ठीक वही परीक्षा योजना इसमें भी लागू होगी, वही तीन खंड है, खंड ब और खंड से होंगे, और अंकों का निर्धारण ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर के लिए किया गया है। इसमें भी वो पांच इकाइयां होगी, जो इकाई फर्स्ट है उसमें सामाजिक समस्याओं के अवधारणात्मक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं, सामाजिक विघटन क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। साथ ही सामाजिक समस्याओं का जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक समस्याओं के जो प्रकार हैं, और सामाजिक समस्याओं को जन्म देने वाले जो कारक हैं, उन सब की विशद चर्चा करेंगे। इकाई सेकंड में समकालीन भारत में संरचनात्मक समस्याओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें ग्रामीण समस्याएं, लिंग विभेद की समस्या, सांप्रदायिकतावाद और अल्पसंख्यकों की समस्याएं, सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों की समस्याएं, जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का हम विशेषकर अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार इकाई थर्ड में समकालीन भारत में पारिवारिक समस्याओं का हम अध्ययन करेंगे, जिनमें मतलब वर्तमान भारत में जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, जिनमें दहेज एवं विवाहिच्छेद अर्थात दहेज एवं तलाक, बाल विवाह और वृद्धजनों की समस्याएं, एड्स एवं भारत में युवाओं की समस्याएं, ये थर्ड इकाई में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जो इकाई फोर्थ है उसमें समकालीन भारत में विघटनकारी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान भारत में जो विघटनकारी समस्याएं हैं, जो कि समाज में विघटन उत्पन्न करती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनमें अपराध एवं बाल अपराध, भ्रष्टाचार एवं मादक द्रव्यों का सेवन, जातिवाद एवं आतंकवाद, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई फिफ्थ में समकालीन भारत में विकास संबंधी समस्याओं के बारे में हम चर्चा
करेंगे, जिसमें पहला निर्धनता एवं बेरोजगारी, दूसरा अशिक्षा एवं पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा गंदी बस्तियां एवं विकास से उत्पन्न विस्थापन, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान। इन सभी के बारे में, ये पांचों इकाइयों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे और परीक्षा योजना के निर्धारित करके उस अनुसार अपना अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। आप लोगों के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परीक्षा योजना थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी भिन्न है सेकेंड ईयर की तुलना में, इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से समझना होगा और इसी अनुसार अपनी योजना का निर्धारण करना होगा। इसमें एक चीज़ और है जो कि नियमित विद्यार्थी हैं उनके लिए 40 अंकों की जो प्रायोगिक परीक्षा होगी, जो कि प्रैक्टिकल वर्क होगा, वो फील्ड वर्क पे आधारित होगा। फील्ड वर्क अर्थात आप लोगों को एक सर्वे करना होगा, सर्वेक्षण के द्वारा आप लोगों को एक क्षेत्रीय अध्ययन करना होगा, जिसमें किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में, सामाजिक बुराई के बारे में, अथवा वर्तमान भारत में किसी भी प्रकार की पारिवारिक सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और क्षेत्र में जाके, फील्ड में जाके उस संबंधित समस्या से संबंध में अध्ययन करेंगे और सुपरवाइजर के निर्देश के अनुसार इस फील्ड वर्क का चयन करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है वो लगभग 15 से 20 हैंड रिटन आपके वर्क में होगी, हस्तलिखित पृष्ठों में होगी, और इन्हीं 15 से 20 पेजों की रिपोर्ट के आधार पर आपको के 40 अंकों का निर्धारण होगा, अर्थात ये आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा और इस आधार पर आपको 40 अंकों में से नंबर दिए जाएंगे, अर्थात 80-80 नंबर के दो पेपर और 40 नंबर का एक प्रैक्टिकल पेपर अथवा प्रायोगिक रिपोर्ट। ये आप लोगों की BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है और इसी अनुसार हम आगे अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो अगले वीडियो से हम लोग चर्चा करेंगे, टॉपिक वाइज हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे अध्ययन करना है, क्या क्या अध्ययन करना है।